इस वे पर जावरा टोल प्लाजा पर एक इंडिवर कार से 12 किलो सोना बरामद किया गया है। इसके बारे में कार चालक कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान लग्जरी कार को पकड़ा जिसमें भारी मात्रा में सोना मिला। कार सवार इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सके। पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। मथुरा के माठ क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर जावरा टोल प्लाजा पर बीती रात को माठ पुलिस ने चेकिंग के दौरान दिल्ली से बिहार जा रही एक लग्जरी कार को पकड़ा जिसमें 12 किलो से अधिक सोना मिला। जब उनसे पूछताछ की गई तो कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बीती रात को माठ पुलिस आबकारी टीम के साथ यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर चेकिंग कर रही थी, तभी नोएडा की तरफ से एक लग्जरी कार एंडीवर को रोका गया। उसमें कुछ संदिग्ध पैकेट रखे थे। जब उन्हें खोला तो सोना मिला। पुलिस ने कार में सवार दो लोगों के सोने के बारे में जानकारी चाही तो वो कुछ नहीं बता सके। पुलिस ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। मौके पर सीओ गुंजन सिंह पहुंची और पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। उसके बाद जीएसटी, सेल टैक्स व अन्य टीमों को जांच के लिए बुलाया। माठ थाना प्रभारी निरीक्षक रजित वर्मा ने मामले की जांच की जा रही है। सोना को देवरिया बिहार ले जाया जा रहा था जिसकी जाँच कर रहे हैं। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। थाना माठ क्षेत्र में माठ टोल पे चेकिंग के दौरान एक एंडेवर गाड़ी से सोने की 12.5 किलो ज्वेलरी बरामद हुई है। इसके संदर्भ में जीएसटी विभाग तथा इनकम टैक्स विभाग को सूचित कर दिया गया है तथा उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस